हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गुप्ता नित्या मॉम्स किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे मसाला पास्ता, जो कि बहुत ही आसान है और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। आइए दोस्तों, इस टेस्टी रेसिपी को आज हम शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। आज हम ये मसाला पास्ता बनाएंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसको मैंने गैस पर रख दिया है। इसमें हम पानी डालेंगे। पास्ता को पहले हमें उबालना है, इसलिए मैंने एक बर्तन ले लिया है और गैस की फ्लेम को यहाँ पे मैंने मीडियम कर लिया है। पानी को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। इसके बाद मैंने इसमें पास्ता डाल दिया है और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और थोड़ा हम नमक डालेंगे और इनको अच्छी तरीके से चला लेंगे, ताकि जो पास्ता है वो पानी में अच्छी तरीके से उबल जाए। उबलते टाइम आप ध्यान रखें कि एकदम ज़्यादा ना उबल जाए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो पास्ता है वो हमारा मैश ना हो पाए, ये चीज़ का आप ध्यान रखें। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल भी डाल दिया है और थोड़ा सा नमक भी इसमें डाल दिया है। इनको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हम गैस पर मीडियम फ्लेम पर इसे उबलने के लिए रखा रहने देंगे, ताकि जो हमारा पास्ता है वो अच्छी तरीके से उबल जाए। दोस्तों, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बहुत ही इजी रेसिपी है। आप कभी भी बच्चों के लिए इजीली पास्ता बना सकते हैं और वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल एकदम मसाला पास्ता आज हम बना रहे हैं। ये देखिए, पास्ता जो है वो हमारा धीरे धीरे करके उबलने लगा है। आप देख सकते हैं कि पानी में जो है वो उबाल आ गई है, पास्ता जो है वो हमारा उबलने लगा। इसी तरीके से हम इसको उबलने देंगे, 3 से 4 मिनट तक के लिए इसी तरीके से हम गैस पर रखा रहने देंगे। पास्ता को हम इसी तरीके से उबलने देंगे। आप देख सकते हैं पास्ता जो है वो हमारा काफ़ी हद तक उबल गया है। इसको हम एक बार चेक कर लेंगे। आप ये चीज़ का ध्यान रखें जो है जो ज़्यादा ना उबल पाए, एकदम मैश ना हो पाए, इसको हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे। गर्म है तो आप आराम से इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं। पास्ता जो है उबल गया है, इसको हम छान के निकाल देंगे, इसका पानी हम अलग कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक पास्ता हमारा ठंडा हो रहा है, आइए हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक पैन में तेल ले लिया है। यहाँ लगभग मैंने 1 छोटी चम्मच जितना तेल यूज़ किया है। थोड़ा सा हम इसमें तेल ले लेंगे और गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर रख के रहने देंगे। तेल जैसे ही गर्म होगा, मैंने इसमें राई डाल दिए। आप चाहें तो जीरे का यूज़ भी कर सकते हैं। थोड़ी सी हम राई डालेंगे। राई को हम थोड़ा सा सिकने देंगे। दोस्तों, खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बच्चों के लिए लंच बॉक्स में आप कभी भी इसे बना सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ मैंने प्याज ऐड कर दिया। लगभग यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, जिसको मैंने बारीक चॉप्ड कर लिया है। थोड़ा सा हम वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ मैंने हरी मिर्ची ऐड कर दिया है। इनको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इनको इसी तरीके से लो फ्लेम पर सिकने देंगे। ये देखिए, प्याज इसी तरीके से हम सेकते रहेंगे। जैसे ही प्याज सेक जाएगी, मैंने इसमें एक टमाटर ऐड कर दिया है। टमाटर को भी मैंने बारीक चॉप्ड कर लिया था। थोड़े से यहाँ मैंने मटर डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च, गाजर, आप जो चाहें वो वेजिटेबल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इन्हें अच्छे से सिकने देंगे, ताकि बिल्कुल भी टमाटर में कच्चापन ना रहे, ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम सेकते रहेंगे। दोस्तों, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए, थोड़ा सा इसमें मैंने नमक डाल दिया है। नमक आप ध्यान रखें, क्योंकि आपने पास्ता में उबलते टाइम भी नमक डाला था, इसलिए नमक आप उसी हिसाब से डालें जिस हिसाब से अगर आपने पास्ता में डाला हो। थोड़ा सा ही हमने यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है। इनको मिक्स करेंगे, ताकि जो सारे मसाले हैं और सारे जो वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे से पक जाए और नमक में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखिए, इसी तरीके से हम इसको चलाते रहेंगे। 2 मिनट तक हमें इसे चलाते रहना है। आप देख सकते हैं अच्छे से ये सिक गए हैं। इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। थोड़ा सा यहाँ मैंने धनिया पाउडर डाला है। अगर आप चाहें तभी मिर्ची ऐड करें। ये देखिए, इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करते रहेंगे। मसाला जो है वो हमारा अच्छी तरीके से सिक जाए, ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब हमने इसमें उबले हुआ अपना पास्ता डाल दिया है। ये देखिए, मैंने इसमें उबला हुआ पास्ता ऐड कर दिया और अब मैंने अच्छी तरीके से इनको मिक्स कर देंगे, ताकि पास्ता जो है वो सारे मसालों में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। धीरे धीरे करके लो फ्लेम पे हम इन्हें चलाते रहेंगे और इन्हें मसालों में अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि जो सारे पास्ता सेल्स हैं उनमें मसाला अच्छे से भर जाए, कहीं से भी ऐसा ना लगे कि इनमें मसाला नहीं है। बच्चों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, आप कभी भी इसे इजीली बना सकते हैं।
कम मसालों के साथ, कम मिर्ची के साथ, जो चाहे वो वेजिटेबल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आज हम मसाला पास्ता जो है बना रहे हैं। थोड़ा सा इसमें मैंने पास्ता सॉस डाल दिया है, आप चाहे तो टोमेटो सॉस डाल सकते हैं। लगभग आधा चम्मच यहाँ मैंने पास्ता सॉस ऐड कर दिया है। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ मैंने हरा धनिया डाल दिया है, आप चाहें तो इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों को चीज़ पसंद है तो आप चीज़ ऐड इसमें कर सकते हैं। हल्का सा यहाँ मैं नमक ऐड और कर दूंगी, क्योंकि तब मैंने सिर्फ टमाटर और प्याज के लिए नमक ऐड किया था, और हल्का सा और ऐड कर देंगे ताकि जब हमने पास्ता बॉईल किया था तो पानी में नमक जो है वो कम, तो उतना ही पास्ते में नमक रहता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ नमक ऐड और कर दिया है। आप चाहें तो इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, तो आप चीज़ी मसाला पास्ता भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं चीज़ ऐड नहीं कर रही हूँ। ये देखिए हम सिंपल तरीके से आज मसाला पास्ता बना रहे हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि सारे जो मसाले हैं वो पास्ता में अच्छी तरीके से मिल गए हैं, पास्ता भी बिल्कुल हमारा एक जैसा दिखने लगा है। आप बच्चों के लंच बॉक्स में कभी भी ये बना सकते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, इसलिए आप घर पर आसानी से रेस्टोरेंट स्टाइल ये पास्ता बना सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी और बहुत ही झटपट ये बन जाता है। अगर आपको थोड़ा तीखा लग रहा है तो थोड़ी सी मैंने इसमें मेयोनीज ऐड कर दी है टेस्ट के लिए। बोला है मैंने आपको कि अगर आप चाहें तो चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हल्की सी यहाँ मैंने आधा चम्मच जितनी मेयोनीज ऐड कर दी, जिससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए दोस्तों हमारा मसाला पास्ता बनकर तैयार हो गया है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, लेकिन एक बार ट्राई ज़रूर करें। ये देखिए हमारा मसाला पास्ता बनकर तैयार हो गया। बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। झटपट 10 मिनट में हमारा मसाला पास्ता बनकर तैयार हो गया है, खाने में बहुत ही टेस्टी। ये देखिए दोस्तों आपका बिल्कुल गर्मा गर्म इसे सर्व करें, बच्चों के भी लंच बॉक्स में आप इसे रख सकते हैं, और इवन ये बड़ों को भी पसंद आने वाली रेसिपी है, झटपट से आप इसे बना सकते हैं। ये देखिए हमारा मसाला पास्ता बनकर तैयार हो गया। आप इसमें चीज़ ऐड करना चाहें चीज़ ऐड कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी और बहुत ही झटपट ये बन जाता है। दोस्तों रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए, रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और पसंद ना आई हो तो डिसलाइक भी करें, लेकिन एक बार बनाइएगा ज़रूर। कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो दोस्तों तो नित्या मॉम्स किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक आप इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए दोस्तों। थैंक यू।